चार बाग में होने वाला सेशन कविता की कहानी बारिश के मार के कारण एक छोटे से हॉल में हुआ। यहाँ कवि अशोक वाजपेयी और यतीश मिश्र ने हिंदी कविता के वर्तमान स्वरूप पर अपने विचार रखे। इस मौके पर अशोक वाजपेयी ने कहा कि हिंदी कविता का भविष्य काफी उज्जवल है, इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। बारिश और ठंड के बावजूद हिंदी कविता के प्रेमियों का हुजूम है। इतनी बारिश के बाद इतने कठिन समय में 100 लोग आ गए तो और क्या चाहिए, तो इसलिए ये फैलाना बंद करिए और ये कहना शुरू करिए कि कविता के अच्छे पाठक हैं, कविता के श्रोता हैं, कविता के दर्शक हैं, लोग आते हैं कठिनाइयों के बावजूद। इस सेशन के साथ ही नवरस नाम के सेशन में अलग अलग अंदाज में अलग अलग स्वर सुनने को मिले। यहाँ यतीश मिश्र पुलिस अधिकारी और कवि टी एस लुथुरा, राजस्थानी कवि अर्जुन देवशरण, सवाई सिंह शेखावत और काजल ओझा ने काव्य पाठ किया। इस मौके पर आम इंसान का दर्द भी पंक्तियों में झलका और जीवन का उल्लास भी। एक अठन्नी मेहनताना, उस पर ये शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म न छूटे और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, वहां की संगीत में कचौड़ी। संगीत में कचौड़ी ऐसे कि जब कुलसुम कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी उस समय छंद से उठने वाली आवाज ने उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना जरूर तय है कि अपने खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं और इस बात में कोई शक नहीं कि नाना की मीठी वाली शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। शब्द पकड़ा अर्थ बीत गया, शब्द पकड़ा अर्थ बीत गया, अर्थ जागा तो शिल्प रीत गया। शब्द पकड़ा अर्थ बीत गया, अर्थ जागा तो शिल्प रीत गया, शिल्प समझा तो बिंब सूना, बिंब उतरा तो रस जूठा। शब्द पकड़ा अर्थ बीत गया, अर्थ जागा शिल्प रीत गया, शिल्प समझा तो बिंब सूना, बिंब उतरा तो रस जूठा, रस आने लगा तो जीवन बीत गया। अंग्रेजी के माहौल में हिंदी कविताओं के गूंज को सुनने के लिए श्रोताओं की संख्या भी भरपूर थी। यही कारण था कि कवियों का मन भी उमंग से सराबोर था। कैमरामैन विजय गिरीश गोस्वामी के साथ राखी जैन, हैथवे न्यूज़।